5 व्यक्तियों का नाम अभी ट्रेस हुआ है, उन 5ों को जो है सर्विस से हटाने का आदेश करते हुए उनकी जगह नया व्यक्ति अपॉइंट करने का किया है। तो भैया यहाँ तो बिजली कर्मचारियों को प्रदर्शन करना बहुत भारी पड़ गया। प्रदर्शन करने वाले लगभग 5 संविदा कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन ले लिया गया। तो हुआ यूं कि महोबा में बिजली कर्मचारी अपनी लगभग 14 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में बैनर पोस्टर्स को देखिए, लिखा है पुरानी पेंशन योजना बहाल करो बहाल करो, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही एक्शन हो गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ डीएम ने सख्त एक्शन लेते हुए बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध बताया। इसके साथ ही डीएम ने एक्शन लेते हुए 5 संविदा कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। नहीं, हड़ताल जो है वो अवैध घोषित है और सब जो इनका प्रोग्राम था उसके आधार पर आउटसोर्स कर्मचारी जो कंपनी के हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो है वो 5 व्यक्तियों का नाम अभी ट्रेस हुआ है, उन 5ों को जो है सर्विस से हटाने का आदेश करते हुए उनकी जगह नया व्यक्ति अपॉइंट करने का किया है और भविष्य में जो भी संविदा का कर्मचारी हटाया जाएगा उसको इस तरह से कार्रवाई उसमें की जा रही है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक विभाग में नौकरी ना कर सके। सर क्या मुकदमा लिखा जाएगा? हाँ, वो तो प्रक्रिया का पार्ट है। जिला अधिकारी ने संविदा पर काम करने वाले अथर्व, दिलशाद, कालीचरण, राज बहादुर और सलीम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। डीएम ने बिजली आपूर्ति की व्यवस्थाओं को भी परखा, जिसके लिए राजस्व और बाकी विभागों के टेक्निकल अधिकारियों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तैनात कर दी। इसके साथ ही पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। वहीं हड़ताल पर बैठे तमाम कर्मचारियों ने साफ कह दिया कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ये प्रशासन जो भी कर रहा है इसको उच्च स्तर पे दबाव पे लिया जा रहा होगा। इस बारे में अभी हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। हमने जो भी रात की वस्तुस्थिति थी, हमारे कई जगह थानों में लोग बैठाए गए हैं, संविदा निविदा कर्मचारियों को बुला के बैठा लिया गया है मीटिंग के नाम पे। ये सारी खबरें हम लोगों ने अपनी सेंट्रल कमेटी को पहुंचा दी हैं। वहाँ लखनऊ स्तर पे भी 10:30 बजे से मीटिंग है, वो चल रही है। जाहिर सी बात है, 3-5 संविदा कर्मी हटे, उसको लेकर कितनी नाराजगी है? नाराजगी अभी हटने का कोई आदेश नहीं है, व्हाट्सएप पे जरूर चल रहा है और उस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। सेंट्रल कमेटी को हमने बता दिया गया है और हमारे जो सेंट्रल कमेटी का नोटिस था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी तरह का उत्पीड़न किया गया, कोई भी हमारे आंदोलन को झुकाने का, दबाने का, दमन करने का कोई भी प्रयास किया गया, किसी भी कर्मचारी को जेल में भर्ती किया गया, तो उसी क्षण पूरे प्रदेश के समस्त कर्मचारी, समस्त अधिकारी, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के समस्त घटक दलों के सभी सदस्य पदाधिकारी सामूहिक रूप से जेल भरो आंदोलन में चले जाएंगे। तो भैया बिजली कर्मचारियों का ये प्रदर्शन इनकी नौकरी पर भारी पड़ गया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ किया जाता है।